कानपुर में गुरुवार को डीएवी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के धरना प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एसीपी कोतवाली जमीन पर गिर पड़े। बवाल बढ़ता देख ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी मौके पर पहुंचे। कॉलेज में 10 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एसीपी के जमीन पर गिरने पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा, जहां अधिकारी गिरे वहां जमीन ऊपर नीचे थी, वह खुद गिर पड़ते हैं, किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया। डीएवी कॉलेज के सामने एबीवीपी और छात्र प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। इतना ही नहीं, एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और छात्रों के हंगामे के बीच पुलिस बैकफुट पर दिखी। छात्रों ने पुलिस को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। छात्र मुख्य गेट का ताला तोड़कर प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस ने लाठियां भी भांजी, जिससे भगदड़ मच गई। मैं एक पासवान, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर महानगर मंत्री। छात्रों को लेकर बहुत सारी समस्याएं, इससे पहले भी हम लोगों ने दो बार प्रचार जी को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब हम लोगों उनको पता चल गया कि हम लोग आज फिर से ज्ञापन देने आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब बिना किसी पहली सूचना के विद्यालय को एकदम कुल अवकाश घोषित कर दिया, जिससे बहुत से छात्र परेशान हुए। ये भी आज की समस्या थी। साथ ही हम लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका पुतला फूंक रहे थे। इतना पुलिस प्रशासन के बल द्वारा हम लोग पर यूज किया गया, बल द्वारा धक्का मुक्की करी गई और पुतला फूंकने से रोका गया। इसके लिए हम लोग एक किनारे हुए, लेकिन पुलिस ने बर्बरता की, गाली गलौज की, तब छात्र और पुलिस ने भिड़ंत दी। पुलिस ने पहले बल यूज़ किया और किसी छात्र ने गाली नहीं दी है। साथ ही जो आप बोल रहे हैं कि एसीपी साहब को गिला बांध पकड़ के नहीं गिराया गया, उन्होंने धक्का, जो हम लोग बाहर आ रहे थे उन्होंने रोका, उसमें धक्का लगा हुआ तब गिरे हैं। ये पिछले महीने एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को अपनी कुछ मांग पत्रों के साथ कुछ मांगे रखी थी, जिसमें इन लोगों ने एक सप्ताह का समय दिया था कि कॉलेज प्रशासन उनको उन मांगों को मांगकर उस पर अपनी कार्य जो भी उनको करना है वो करके और सूचना इनको दे दें। उस बात को आज लगभग एक महीने बीत चुके हैं। आज पुनः कल सूचना देने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा यहाँ एक प्रोटेस्ट आयोजित किया गया, जिसके क्रम में कॉलेज प्रशासन द्वारा आज का कॉलेज बंद कर दिया गया था, जिसके उपरांत आक्रोशित छात्र गेट को फांदकर, गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर प्रोटेस्ट किया और जब पुतला दहन करने जा रहे थे तो पुलिस बल ने उनको रोकने की कोशिश की कि पुतला दहन उचित नहीं है, जिसमें आक्रोशित छात्रों के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई है, दोनों पक्षों से थोड़ी चोट आई है और अभी फिलहाल आक्रोशित छात्रों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है, मामला विचाराधीन है। क्योंकि छात्रों में आक्रोश था कॉलेज प्रशासन को लेकर और उसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से, तो मतलब लाजमी है कि इनका क्रोध कुछ और बढ़ा होगा। जिस प्रक्रम में जब ये पुतला दहन करने जा रहे थे तो हम लोगों ने पुतला दहन ना करने की इनको सलाह दी, जिस पर कुछ छात्रों में से कुछ लोग उत्तेजित हो उठे और उन्होंने अभद्रता की। अभी मामला विचाराधीन है, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। एबीवीपी और छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को डीएवी कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्र प्रिंसिपल का पुतला दहन करने की तैयारी में थे। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो दोनों में झड़प हो गई। छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के दौरान एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार जमीन पर गिर पड़े। धक्का मुक्की के बीच एबीवीपी के छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारी संख्या में छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट गड़बड़ है, बढ़ी हुई फीस और कई विषय में प्रोफेसर नहीं होने के चलते छात्रों के भविष्य पर संकट है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन और प्रिंसिपल का पुतला दहन करने की कोशिश की। इसके बाद बवाल हो गया। प्रांत संयोजक गोपाल मिश्रा ने कहा कि 6 सूत्री मांगों को लेकर आज विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन जब यहां पहुंचे तो पता चला कि प्रिंसिपल ने विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया है। किस कारण किया है इसका पता नहीं, इसलिए हम लोग उनका पुतला फूंकने जा रहे थे, तभी पुलिस ने पुतला छीना। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार दीक्षित ने बताया,
जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी, सिर्फ उन्हीं की स्कॉलरशिप अटकी हुई है। प्रोफेसरों की नियुक्ति के संबंध में प्रपोजल बनाकर आयोग को भेज दिया गया है। राज्यपाल को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। बड़ी भी फीस यूनिवर्सिटी का फैसला है, इसमें कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। छुट्टी के दिन एबीवीपी के छात्रों के हंगामे की सूचना मिली है। ज्ञापन मिलने के बाद उनकी सभी मांगों पर विचार करके समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार के जमीन पर गिरने के सवाल पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां अधिकारी गिरे वहां जमीन ऊपर नीचे थी, वह खुद गिर पड़ते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी ने इरादतन धक्का दिया हो। छात्र कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं। देखिए, हमने यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए तमाम वीडियो फुटेजेज हैं, वीडियो फीड हैं, जिसको एक एक करके हमने देखा है, लार्ज स्क्रीन पे करके देखा है, स्लो मोशन में देखा है। जो गिरने की बात है अधिकारी के, वो डेफिनेटली वो गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं उल्टा, और उल्टा पीछे की तरफ बढ़ने से किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, और वहाँ पे वह स्वतः, चूँकि ये जो सरफेस है वो भी इवन ऑड है, पैर वहाँ पे ऊपर नीचे होता है और वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे किसी का इंटेंशनल कोई भी ऐसा सिम्टम कि किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो प्रथम दृष्टया लार्ज स्क्रीन पर अलग अलग सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए फीड को देखने से नहीं पाया जाता है। फिर भी हमारे एडिशनल DCP लाखन सिंह यादव हैं, इनको हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है जो कि अनलॉफुल है तो वो डिस्क्लोज हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही भविष्य में हो। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि शिक्षा शास्त्र की शिक्षिका ने प्राचार्य पर परीक्षा के अंकों को कम करने के विषय में प्रमाण प्रदान किए हैं, उस आधार पर प्रचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DAV कॉलेज को केंद्र बनाकर संपन्न हुई समस्त महाविद्यालयों की प्रैक्टिकल और वाइवा की परीक्षाओं के अंकों तथा अवैध वसूली की निष्पक्ष समिति द्वारा जांच कराई जाए। सैकड़ों विद्यार्थियों से पेपर संशोधन के नाम पर परीक्षा के ठीक पहले की गई अवैध वसूली की जांच कराई जाए। कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट में सैकड़ों विद्यार्थियों को अनुपस्थित किए जाने की जाँच कराई जाए। छात्रों की मांग है कि छात्रों के साथ लगातार अभद्रता हो रही है, लेकिन महिला उत्पीड़न समिति का मानकों के विपरीत गठन किया गया है, इसमें विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। छात्राओं को उत्पीड़न की शिकायत पर धमकाया जाता है। इस मामले में प्राचार्य के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए और विद्यार्थियों के साथ अभद्रता करने के लिए प्राचार्य लिखित रूप से माफ़ी मांगें। आज आकस्मिक अवकाश किस कारण किया गया, इसकी जाँच कराई जाए। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।